लालू यादव के बड़े बेटे फिलहाल नीतीश कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन लोग जल्द ही उन्हें सीएम के रोल में देखेंगे। रियल लाइफ के मंत्री तेज प्रताप यादव एक भोजपुरी फिल्म में सीएम की भूमिका में हैं। राजगीर में फिल्म की शूटिंग के दौरान तेज प्रताप ने किस अंदाज में डायलॉग्स बोले और कैसी एक्टिंग की, आपको दिखाते हैं। वाले नहीं चाहते, अंजाम देने वाले नहीं चाहते कि मेरी सरकार चले, कि मेरी सरकार चले और राज्य का विकास हो, और राज्य का विकास हो। आज आपके सामने, और आज आपके सामने मैं ऐलान करता हूँ कि उनके हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दें, कानून का राज स्थापित करें। शब्दों पर ध्यान न दें तो ऐसा लगता है जैसे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हों और लालू यादव के सुपुत्र मंत्री तेज प्रताप उसे दोहरा रहे हों। सुनिए तेज प्रताप कैसे किसी की बताई गई लाइन को हूबहू वैसे ही बोलने की कोशिश करते हैं, साथ में हाथों से लेफ्ट राइट भी। जैसे जैसे लाइन बदलती है वैसे वैसे हाथ भी लेफ्ट राइट लेफ्ट। मैंने डीजीपी को 24 घंटे की मोहलत दी है, 24 घंटे की मोहलत दी है। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। वो 24 घंटे में प्रकाश को बरामद कर लेंगे। मंत्री तेज प्रताप का ये अंदाज रियल नहीं बल्कि रियल लाइफ के लिए है। तेज प्रताप को एक्टिंग भी करनी थी और डायलॉग भी बोलना था। अब मंच पर तो ढंग से बोल नहीं पाते तेज प्रताप, लिहाजा मददगार बगल में खड़ा हो गया। तेज प्रताप श्लोक की तरह पांचने लगे डायलॉग, शुरू हो गई एक्टिंग हाथों के बनावटी मूवमेंट के साथ। हर घंटे रिपोर्ट ले रहा हूँ आपके सामने ये स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि आपने मुझ पे भरोसा किया। किरदार सीएम का था इसलिए तेज प्रताप की वाणी भी तेज होती गई। के लिए वचनबद्ध हूँ, आपके विश्वास को मेरी सरकार टूटने नहीं देगी। सामने टुकुर टुकुर ताकती भीड़ थी, लोग खामोशी से सचमुच के मंत्री को मुख्यमंत्री के किरदार में बोलते हुए देखने लगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और लालू के बेटे को इतने करीब से देखने का मौका भी कम ही मिलता है। ऊपर से तेज प्रताप इतनी लंबी लाइनें बोलते हैं ऐसा भी लोग कम ही देख पाते हैं। यहाँ सब कुछ नया था, लोग माहौल एक्टर और एक्टिंग का अंदाज भी। जल्द ही बिगड़ती कानून व्यवस्था की हालत पर काबू पा रहे हैं। बढ़ती हुई आपराधिक घटना चिंता की बात है। बार बार कट बोलकर अपने मनमाफिक एक्टिंग कराने वाले फिल्म के डायरेक्टर भी खामोश थे। जब रहा नहीं गया तो कट की आवाज आई। तेज प्रताप ने डायरेक्टर को घूरा तो डायरेक्टर ने पानी देने को कहकर बड़ी चालाकी से कट की असली वजह को छिपा लिया। किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी। फिर कैमरा ऑन हुआ, एक्शन की आवाज के साथ दो दो आवाज एक ही डायलॉग के लिए सुनाई देने लगी। और आज आपके सामने मैं ऐलान करता हूँ कि उनके हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दें। सियासत का ककहरा सीख रहे तेज प्रताप के लिए ये नई चुनौती आसान थोड़े ही न थी। इतना बड़ा डायलॉग याद करना, चेहरे और हाव भाव से मुख्यमंत्री का एक्सप्रेशन देना मुश्किल तो है ही। एक्टिंग सिखाने वाले डायरेक्टर साहब बार बार मंत्री साहब को टोके ये भी जायज नहीं था, और ना ही बार बार कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में शूटिंग करने का वक्त होता है रियल लाइफ के मंत्री के पास। इन सारी घटनाओं पे मेरी खुद की नजर है। तेज प्रताप का सारा ध्यान तो डायलॉग के शब्दों को पकड़ने में था, लेकिन फिर भी एक्टिंग कितनी शानदार रही ये आप देख ही रहे हैं। हाँ, एक दो जगह 100 का 100 हो गया, कोई बात नहीं। साजिश साफ दिखती है। मैं ऐलान करता हूँ उनकी हर साजिश को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे।